आज की वीडियो के अंदर हम लोग ग्लाइकोलिसिस का क्विक सा ओवरव्यू देखेंगे और एक मजे की कहानी मैं आपको बताऊंगा जिससे सारे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स और ये एंजाइम्स वगैरह ये आपके क्लियर हो जाएंगे। कहानी जी शुरू करते हैं। याद रखिएगा जी, ग्लूकोज बड़ा भाई है, फ्रुक्टोज छोटा भाई है। दोनों ने जैकेट्स पहनी हुई है और दोनों की जैकेट्स के हमारे पास 6 पॉकेट्स है। 6वां वाला पॉकेट सबसे सेफ है और पहला वाला जो है सबसे लीस्ट सेफ पॉकेट है, ठीक है। और इनकी जो अम्मी है, वालिदा, उसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, अब्बू का नाम डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन और बहन का नाम फॉस्फोग्लिसरेट। ये 5 नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। बड़ा भाई ग्लूकोज, छोटा भाई फ्रुक्टोज, और अम्मी का नाम ग्लिसरल्डिहाइड, अब्बू का नाम डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन और इनकी बहन का नाम फॉस्फोग्लिसरेट। अब आए जी, बड़े भाई का नाम ग्लूकोज। ग्लूकोज ने बाहर से कैंडी ली, फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। छोटा भाई बहुत शरारती जी, और मैंने आपको बताया भी था 6वां पॉकेट इसका सेफेस्ट पॉकेट है, ये उसके अंदर रखते हैं। फिर जी फ्रुक्टोज छोटा भाई बहुत शरारती, इसने ग्लूकोज से वो कैंडी लेके फॉस्फेट लेके अपने 6वें पॉकेट के अंदर डाल दी, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हुआ। अब फ्रुक्टोज छोटा भाई है ही बहुत शरारती, इसने एक और फॉस्फेट बाहर से चुरा ली, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, 6 के अंदर सेफेस्ट पॉकेट और 1 लीस्ट सेफेस्ट पॉकेट हमारे पास, ठीक है। अब जिसकी जी अम्मी को पता चल गया जी छोटे बेटे के फ्रुक्टोज बड़ा शरारती है, उसके पास जी 2 कैंडियाँ आ गई हैं, एक तो उसने अपने बड़े भाई ग्लूकोज से ले ली और एक उसने बाहर से चुरा ली, तो इसकी अम्मी को गुस्सा आ गया। अम्मी का क्या नाम, ग्लिसरल्डिहाइड, उसने क्या कर दी, फ्रुक्टोज से फॉस्फेट ले ली, ठीक है। फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट अम्मी ने इसकी ले ली ग्लिसरल्डिहाइड और 1 फॉस्फेट इसके अब्बू ने ले ली डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। तो जी कहानी यहाँ तक पहुँच जाई कि फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ G3P के अंदर और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, इसकी अम्मी ने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने अब वो फॉस्फेट जो है वो बहन को दे दी, ठीक है, इनकी बहनों को दे दी और अपनी बेटी को दे दी, तो कन्वर्ट हुआ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किसके अंदर, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट, ठीक है। अब जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट और इससे फिर एक फॉस्फेट निकल जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 1 फॉस्फेट, इससे फिर वो जो शरारती इसका भाई है फ्रुक्टोज वो ले लेता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 जो है वो लीस्ट सेफेस्ट पॉकेट है और जो 1 सेफ पॉकेट है और जो 1 है वो लीस्ट सेफेस्ट पॉकेट है, ठीक है। इसका जो इसकी बहन है ना फॉस्फोग्लिसरेट, इसने जो जैकेट पहनी है उसके 3 पॉकेट्स हैं, तीसरा सेफेस्ट है, वो जो 1 है वो लीस्ट सेफेस्ट है। तो पहले इसके 3rd पॉकेट में था, इसने डर गई, इसने कहा फ्रुक्टोज आके कहीं ये भी मुझसे न ले जाए, इसने दूसरा 3 से 2 में पॉकेट में फॉस्फेट डाल दिया तो कन्वर्ट हुई 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुई फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में, फिर फाइनली पाइरूवेट के अंदर। अच्छा, अब एंजाइम के लिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपने याद रखना है, जब भी फॉस्फेट की एडिशन या रिमूवल होगी तो काइनेज एंजाइम यूज होगा, जब भी ग्लूकोज की किसी वन पोजीशन से फॉस्फेट की ट्रांसफर किसी दूसरी पोजीशन पे होगी किसी चेन की किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो एसोमेरेज या म्यूटेज एंजाइम यूज होगा। अब इधर आए देखें, ग्लूकोज 6 से फॉस्फेट की एडिशन हुई है तो काइनेज एंजाइम यूज हुआ, कौन सा काइनेज, ग्लूकोकाइनेज। अब इधर आए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, हालांकि देखें एक ही है आइसोमर नहीं है, दोनों एक दूसरे की पोजीशन से चेंज हुई है, तो यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम यूज हुआ, कौन सा, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम। नीचे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंजाइम के अंदर, यहाँ जो एंजाइम यूज है देखें, 1 फॉस्फेट की एडिशन हुई, काइनेज एंजाइम यूज हुआ, लेकिन कौन सा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। इस एंजाइम की आपको 2 टाइप्स बताई थी, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, ठीक है। अच्छा, अभी तरह फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है, इसने ये कन्वर्ट हुआ G3P और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन के अंदर विद द हेल्प ऑफ, ये एंजाइम बहुत जरूरी, एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम। इसके बाद G3P कन्वर्ट हुआ, उसने वही अपनी बेटी को जो कैंडीज देती थी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे वो जो एंजाइम है ना NADH डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये आपने याद रखना है, जहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा वहाँ NADH की हमारे पास प्रोडक्शन होगी, इधर NADH डीहाइड्रोजिनेज है। अब नीचे सारे एंजाइम बहुत ईजी हैं, जैसे अब इधर है जी 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुई 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, मतलब 1 फॉस्फेट की रिमूवल हुई, तो एंजाइम काइनेज हमारे पास यूज होगा, कौन सा काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इसी तरह 2 से 3 पोजीशन चेंज हुई है तो हमारे पास एंजाइम होगा म्यूटेज एंजाइम, आइसोमेरेज या म्यूटेज एंजाइम, तो कौन सा म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम, ठीक है, इस स्टेप के अंदर। फिर नीचे आ जाए 2 फॉस्फोग्लिसरेट जब कन्वर्ट होता है जी फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के अंदर, ये याद रखना इस इनोल से कि ये
इनोलेज एंजाइम और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जब पाइरुवेट में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइरुवेट काइनेज एंजाइम। तो ये जी शॉर्ट क्विक सा एक ओवरव्यू था ग्लाइकोलाइसिस का हमारे पास।